हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमारा एक पिछले वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि ड्रॉइड कैम को अपने लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करें, वो हमने वीडियो में बनाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके वीडियो का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वो वीडियो देख लेना। तो वहाँ पर हमारे जो फॉलोअर्स, उन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा कि सर, हमने जो आपने जो प्रोसेस बताया वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी हमें जो हमारा डिवाइस है वो रिजेक्ट नहीं हो रहा है, और ADB नाम का जो सॉफ्टवेयर का वर्जन है उसको अपडेट, मतलब उसको डाउनलोड नहीं हो रहा है अपने लैपटॉप में, वो एरर बता रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो चलिए गाइस, चालू करते हैं अपने वीडियो को। मेरा नाम है वंदित और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल टेक्नो वंदित। चलिए गाइस, चालू करते हैं वीडियो को, और वीडियो को चालू करने से पहले नीचे लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट लिख देना। तो चलिए गाइस, चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारे लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर पर जाना है, वहां पर लिखना है यूनिवर्सल ADB डाउनलोड। तो लिखते पहले लिंक आएगी वर्ड क्लॉक वर्ल्ड मोड की, वहां पर इस वेबसाइट पर पहुंचकर इसको आपको डाउनलोड कर देना। वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डाउनलोड करने के बाद बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, मुझे करीबन बस 3 से 4 सेकंड लगे डाउनलोड होने में। ये डाउनलोड होते ही बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको रन करना है। अब मैं इसको, मैं सॉफ्टवेयर को रन कर रहा हूँ, वेरिफिकेशन हो रहा है ये, और अब मैं इसको रन करने वाला हूँ। तो ये रन ऐसा हो चुका है, अब मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है इसलिए ये मुझे ऐसा इंटरफेस आ रहा है, आपको इंस्टॉलेशन का इंटरफेस आएगा। अब मैं यहाँ पे रिमूव करके आपको वापस इंस्टॉल करके बता देता हूँ। तो फिनिश डायलॉग बॉक्स को यस कर देना, ये रिमूव हो रहा है। अब मैं इसको वापस से इंस्टॉल करके आपको बता देता हूँ। तो आपको अपने डाउनलोड्स में जाना है, पीसी के डाउनलोड्स में जाकर, और वहाँ पर आपको ये आ जाएगा यूनिवर्सल सेटअप ड्राइवर सेटअप का। वापस उसको नेक्स्ट नेक्स्ट सब कुछ जैसे ही रहने देना है, और आपको नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैसेज आएगा डायलॉग बॉक्स, उसको यस कर देना है, और आपके सामने ये जो सेटअप है वो इस तरह से कुछ दिखेगा। और इसके इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको मैं ले जाऊंगा अपने एक नए सिस्टम पर। अब आपको इसके लिए क्या करना है, अपने फ़ोन से USB के थ्रू अपने फ़ोन को लैपटॉप में कनेक्ट करो सबसे पहले, और उसके बाद USB डीबगिंग का ऑप्शन जो मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपको कन्फ्यूज़न आ रहा हो तो वीडियो वापस चेक कीजिए। वो USB डीबगिंग का ऑप्शन ऑन करने के बाद अब यहाँ पर आपको लैपटॉप में आना है। एक बार आपने ऑन कर दिया ये डाउनलोड हो जाए, जब तक हम हमारे मैनेजमेंट को खोल देते हैं, कंप्यूटर मैनेजमेंट को हम ओपन कर लेते हैं। ये ओपन होते ही आपको डिवाइस मैनेजर में आना है। डिवाइस मैनेजर के अंदर आप ध्यान से सुनिएगा, डिवाइस मैनेजर के अंदर आपको सबसे लास्ट में यूनिवर्सल सीरियल बस डिवाइस, वहां पर ADB इंटरफेस दिखेगा। कुछ लोगों के कंप्यूटर में ये अदर डिवाइसेस का ऑप्शन में आएगा ADB इंटरफेस का, और जिसके नहीं आ रहा उसके नीचे यूनिवर्सल सीरियल बस डिवाइसेस उस नाम में आएगा। तो ADB इंटरफेस पे क्लिक करके उसमें अपडेट ड्राइवर पे आपको चले जाना है। अपडेट ड्राइवर पे एक बार आ गए तो अब आपको करना है ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स। ये करने के बाद आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपको आना है अपने विंडोज दिस पीसी के अंदर। ये मैं आ जाऊंगा अपने दिस पीसी के अंदर आ गया हूँ। दिस पीसी में आपको विंडोज सी में आना है। विंडोज सी में आने के बाद आपको प्रोग्राम फाइल्स में एंटर मारना है। प्रोग्राम फाइल्स में आपको एक यूनिवर्सल क्लॉक वर्ल्ड मोड के नाम से फोल्डर दिखेगा। क्या लिखेगा? क्लॉक वर्ल्ड मोड। वहाँ पे क्लिक करके आपको यूनिवर्सल ADB ड्राइवर का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करना है, और सबसे लास्ट में यहाँ पर i386 के नाम से है उस पर क्लिक करना है, या तो फिर आप AMD64 पर भी क्लिक कर सकते हैं, उसको ओके करके, और उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस बता देगा, आपको इंस्टॉल करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब मेरा अभी मैंने नया लैपटॉप खरीदा है, उसमें सारे डिवाइसेस ऑलरेडी मैंने प्री इंस्टॉल कर रखे हैं, ड्राइवर्स इंस्टॉल करा के लाया हूँ मैं। तो यहाँ पर मुझे बता रहा है द बेस्ट डिवाइस फॉर अ डिवाइस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। मेरे पास पहले से इंस्टॉल हो रहा है इसलिए नहीं करेगा। आपके पास जो नहीं होगा तो आपको ये इंस्टॉल का ऑप्शन बता देगा, और इसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यही एक प्रॉब्लम थी, मुझे भी आई थी जब मैंने अपने पुराने PC के साथ किया था ये काम, तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने इसको करेक्ट कर लिया था, और आपको भी कर लेना करेक्ट। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो ये वीडियो में समझ आ गया होगा कि अपने जो ADB का जो प्रॉब्लम है उसको कैसा सॉल्व आउट करे, और
और मैं एक और बात कहना चाहूँगा आपको कि जैसे ये मैंने आपको ड्रॉइड गेम के बारे में बताया, तो ऐसा नहीं कि एक ही एप्लीकेशन है पूरे मतलब मार्केट में ऐसी कई एप्लीकेशन है, पर यहाँ पर मुझे जो एडीबी है जो ड्रॉइड गेम का जो एप्लीकेशन लगा मुझे सबसे अच्छा, उसके इंटरफेस वगैरह बहुत सही लगा, यूज़ करने का तरीका उसका बहुत सही है। और यहाँ पर आपके क्या है कि जैसे फ़ोन कॉल आ जाए कुछ भी आ जाए, मेरा अभी जो फ़ोन है वो अभी मेरा फ़ोन भी एरोप्लेन मोड में जा चुका है, फिर भी मेरे आराम से चल रहा है काम। मतलब यहाँ पर आप कुछ भी करो एयरप्लेन मोड में डालो, कोई फोन कॉल भी आ जाएगा तो भी यहाँ पर आपके कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपको जो डिवाइस कनेक्टेड कनेक्टेड ही रहेगा। दूसरे एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम आती है जनरली, इसलिए मैंने ये ड्रॉइड गेम के एप्लीकेशन आपको सजेस्ट किया है। आशा करता हूँ कि आपको अपने जो प्रॉब्लम है सोल्यूशन मिल चुका होगा। हम मिलेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ आपको अलग अलग कंप्यूटर की नई चीज़ आपको बताते रहूंगा। तो हमारे साथ बने रहिए, टेक्नोवंदित के चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ा देना प्लीज़, 1K तक रीच करवाना है आप सबको मिलकर, इसमें अपना योगदान जरूर देना। और हाँ गाइज, मैंने आपको एक पिछले जो मेरे फिजिक्स का वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक नया वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको इससे 10 से 50 गुना बहुत अच्छी मैं चीज़ बताने वाला हूँ, तो वो चीज़ मेरे बन चुकी है। मैं आपको 1-2 दिन में उसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, आप सबके लिए सरप्राइज़ है वो, तो बने रहेगा और अपडेट्स के साथ जुड़े रहेगा। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि अपडेट मिलते रहे आपको, और उस वीडियो को आपको जितना हो सके उसको शेयर करना, ठीक है गाइस। तो चलिए विदा लेते हैं अपने इस वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।